नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कि मंडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों अभी बना बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे एक अपन को फ्राइडे के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती, उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम में हमें ऊपर का मोमेंटम करते हुए देखने को मिला था बैंक निफ्टी। थर्सडे के एनालिसिस वीडियो में अपन ने ये वाला एक लेवल डिस्कस किया था जो कि था 49,670 का लेवल, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने वाला 11:35 वाली कैंडल से, और वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में अराउंड 250 प्लस पॉइंट्स का देखने को मिला है। तो जो भी ये लेवल मार्क किए होंगे उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला होगा। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अपन को एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डिके ही देखने को मिला होगा। तो ऐसे जोन में अगर अपन ट्रेड नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ऑप्शन सेलर्स का मोमेंटम करते हुए देखने को मिला था बैंक निफ्टी। और लास्ट में हमें फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग अराउंड 49,800 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है। तो ये था बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अपन आ गए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में बैंक निफ्टी के, और यहाँ पे जो अपन को फ्राइडे की कैंडल देखने को मिली एक अपन को ऊपर की तरफ मोमेंटम करते हुए देखने को मिली, बुलिश कैंडल मतलब बनती हुई देखने को मिल रही है। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अपन को देखने को मिल रहा है वो पहले ये वाला लेवल जो कि अराउंड 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और इस लेवल के ऊपर अगर अपने ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक अपन को वापस से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना ऑल टाइम हाई लेवल देखने को मिल सकता है जो कि है 51,133 के लेवल के आसपास तक का। और डाउन साइड की अगर अपन यहाँ से बात करें तो डाउन साइड का मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करिए जो कि अराउंड 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और एक हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ से एक अपन को डाउन साइड का मोमेंटम ट्रिगर होते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जिसमें कि फिर सीधा टारगेट अपना 48,270 के लेवल तक के हमें देखने को मिल सकते हैं। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मोमेंटम करें यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि मंडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को बैंक निफ्टी में कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अपन आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे बुलिश मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। बुलिश मूवमेंट अब अपन को तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे बैंक निफ्टी जो कि अराउंड 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो एक अपन को यहाँ से बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि और ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं पहले चार्ट थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अपन को बहुत दिनों बाद सस्टेन होते हुए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। तो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अपन को जो देखने को मिलेगा सीधे वो है फिर ये वाला लेवल जो कि अराउंड 50,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो सीधे फिर जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 50,720 का लेवल। अपना फिर जो सीधे अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ऑल टाइम हाई लेवल जो कि अराउंड 51,133 के लेवल के आसपास का। और अगर ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट होता है सीधे फिर अपना अगला टारगेट 51,400 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में अगर 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन। तो अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बियरिश मूव अपन को तभी देखने को मिलेगी जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करे जो कि अराउंड 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो एक हमें यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले 49,227 का लेवल, और अगर इसको ही ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अपना जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 48,800 के लेवल के आसपास का, और अपना फिर फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि अराउंड 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में अगर 49,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे जो कि अराउंड ये वाले रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे जो कि है 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है क्या, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अप साइड से एक अपन अगर ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें, इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करेंगे, तो एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन अप साइड में देखने को मिल रही है।
और डाउन साइड में एक अपन को सपोर्ट की तरह काम करती हुई देखने को मिली ट्रेंड लाइन, जिसको अपन ने कल भी मार्क किया था। तो अगर इन दोनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी, तो उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक हमें रेंज बनती हुई देखने मिले, जैसे कि 15 मिनट की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें अगर एक हमें अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिले और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक अपन को अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंडलाइंस और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।